क्या आप जानते हैं कौन सी दो नदियां मिलकर गंगा नदी का निर्माण करते हैं? भारत की सबसे लंबी नदी की बात की जाए तो सबसे पहले गंगा नदी का नाम आता है। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसकी कुल लंबाई 2510 किलोमीटर है। गंगा नदी गौमुख स्थान से 25 किलोमीटर लंबी गंगोत्री हेमनंद से निकलती है। गंगोत्री हेमनंद उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित है, जहां से भागीरथी नदी निकलती है। गंगा नदी को निर्माण करने वाली वो दो नदियां कौन सी है, चलिए जानते हैं। आपको बता दें कि भागीरथी और अलकानंदा ये दो नदियां मिलकर भारत की सबसे लंबी नदी गंगा का निर्माण करते हैं। गंगा नदी का निर्माण कैसे हुआ वो तो हम जान लिए। अब आपके मन में सवाल आता होगा कि वो कौन सा स्थान है जहां भागीरथी और अलकानंदा मिलकर गंगा का निर्माण करते हैं। हम आपको बता दें कि उत्तराखंड के देवप्रयाग में अलकानंदा और भागीरथी का मिलन होती है और देवप्रयाग स्थान से ही गंगा का निर्माण होता है। देवप्रयाग समुद्र की सतह से लगभग 830 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह ऋषिकेश से 70 किलोमीटर दूर है। क्या आपने गंगा नदी के बारे में ये बात पहले से जानते थे? कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसे अमेजिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।